हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज जो है हम एक सेकेंड हैंड मोटर डालने वाले हैं। जो एक्चुअली हुआ क्या है कि मोटर हमने ही इंस्टॉल की थी। ये लोकेशन देख के आपको शायद याद आ गया होगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी। तो V4 का पंप है दोस्तों, मटकी पंप है, जो कि 2 HP है, 2 फेज से चलने वाला है। और 4 इंची कैसिंग में जो है कुएं के अंदर बोर है, और उधर से जो है इसको चलाने वाले। मैं आपको बोर दिखा देता हूँ, पहले कुएं के अंदर देख सकते हैं, 40 फुट का कुआं है, समथिंग 30 फुट बोर है, वही 70 फुट का लगभग बोर है टोटल। वो देखिए कैसिंग दिख रही है, तो 4 इंची कैसिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम V4 पंप का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत गांठ की रहती है, क्योंकि जब रस्सी से गांठ लगती है तो उसमें फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो है हमने वाटर फिल कर लिया है बराबर मोटर में, और इसका भी जो है कच्ची रबर टेप से जो है इसका वाटर प्रूफ जो है कनेक्शन हम कर रहे हैं। ये कनेक्शन करने के बाद जो है दोस्तों, कुएं में एक बंदे को हम उतारेंगे, और उसके बाद जो है इसका इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, किसान क्लासिक का पंप है दोस्तों। तो ये पंप जो है दोस्तों, ज़्यादा लाइट के कारण जो है जल गया था, ओवर वोल्टेज के कारण, जिसके कारण ये जल चुका था बहुत ही बुरी तरीके से। वो पंप जो है वारंटी में था, बोर तो कितने फुट हमने है? उसे फ्री में जो है इनको 40 फुट बोर है, वायरिंग करके दी है। 70 फुट माना है ना। उसके बाद जो है हमने सोचा कि मोटर एक कितने बार फुट क्यों का ना है? हम अपने सामने इसको इंस्टॉल करके और चालू करके देखें। तो जैसा कि अभी देख ही सकते हैं आप, जिसका कनेक्शन जो है प्रॉपर हम तरीके बताइए, से हम कर कुआं में रहे काम हैं। चलत रहो भाई, काम इतने बताओ का रहा है भाई, नहीं रहे और नहीं रहे ये तो ये तनिक। मटकी पंप जो होता है दोस्तों, ये जो हमारा पंप है मटकी पंप, ये पानी ठीक ठाक ही दे देता है। और इसमें जो है रेत की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण पहले जब हम पंप डाले थे यहाँ पे, तो मोटर जो है बार बार जाम हो रही थी, जिसके कारण जो है हमने बोर इनको बोला कि साफ़ करा लो, उसके बाद जो है मोटर इंस्टॉल करेंगे। फिर उन्होंने बोर साफ़ करा के खुद ही मोटर क्या जो है लिया इंस्टॉल है? करा ली थी। उसके बाद काफ़ी कुछ ठीक चल रहा था, खेत देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा है। किसान जो ये मान ले जाए तो सिया यह पा रहा नहीं। किसान है जो सामने बैठे हैं, आप देख सकते हो कुओं का साइज़ जो आप देख सकते हैं, 5 इंच 5 फुट के करीब शायद होगा, 5 फुट 5 से 6 फुट कुआं है। और इस पे जो है हमको उतार के ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जो है मोटर जो है हम बोर में डाल नहीं सकते हैं। तो इसको जो है हम एक बंदे को उतारेंगे, उसके बाद ही जो है मोटर ऑन होगी। तो कनेक्शन कंप्लीट हो ही चुका है, तो बस अब इसका जो है हम मोटर ज्वाइंट भी कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप वगैरह लगा दिया है, देख सकते हैं पंप जो है लगभग लगभग दोस्तों 5 साढ़े 5 फुट का पंप जो है टोटल हाइट हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाली वाली नटट वगैरह लगाने के बाद जो है अब इसको देख सकते हैं, पाइप देख सकते हैं आप, 70-80 फुट पाइप है, 80 फुट समथिंग है, 80। तो हम इसको 60-65 फुट में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है आपको ऑन करके दिखाएंगे। अभी तभी जो है रस्सा बांध के हम उतरने की जो है कुएं में उतरने का तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ पे जो है कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैंट पहने हैं, तो इसके कारण उतरते नहीं बनेगा। अब ये भाई जो है हमारे नीचे जाएंगे, किसान ही हैं, इन्हीं का कुआं है। तो अब ये जाएंगे नीचे, और वहाँ पे जब ये नीचे पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम जो मोटर नीचे लटका के उनसे बोलेंगे कि बोर के अंदर आप डाल दें। उसके बाद जो है हम डायरेक्ट आपको मोटर ऑन करके दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है नीचे उतर रहे हैं। इसमें दोस्तों खतरा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे शांति का माहौल बनाना पड़ रहा है हमें। तुरंत ही होनी अपने हिसाब से लाल देखने लग जाती। दूर दूर यहाँ बुला पे दे सीधे निकलने बांध में भी दे। दिक्कत जाएगी इनको, पक्का है। बांध ही रहा बस, मिल लो ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अब जो है हम इसको तुमने फिक्स कर पचास रहे हैं पाइप के ऊपर, 50-36 लगे, देख रहा कनेक्शन जैसे करके लगे अब इसको तो जो है हम ऑन करेंगे। तो अभी सिर्फ हम सिंगल 50 कैपेसिटर से इसको ऑन कर रहे हैं। अरे तब तक पाइप आने जाए फसावा। ये 2 फेज से चला रहे हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक ये सिंगल 50 वाट का 50 लगाया, याद रखना कैपेसिटर लगा के हम जो है मोटर ऑन है कर रहे हैं। तो एक है फेस है का। और आप देख सकते हैं मोटर जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अबे ऐसे रही काम ये मुसवरो है देखिए मुसा पाइप दोस्तों, पाइप पाइप मना रहो पानी यार आप फिर देख सकते दूसरे हैं V4 के हिसाब से काफ़ी अच्छा पानी है।
50 का लगभग वोल्टेज भी ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैपेसिटर बढ़ा दो, लेकिन हमने बोला कि भैया कैपेसिटर बढ़ाएंगे तो मोटर फिर जलने के चांस रहेंगे, वोल्टेज बढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो है यहाँ पे जो है हम बोलेंगे कि आप ऐसे ही चलाएं। अभी हम कैपेसिटर बढ़ा के भी दिखाएंगे आपको कितना पानी तेज होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का फर्क ही पड़ेगा। और रेत भी नहीं है पहले जैसे, बोर काफी साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं काफी साफ सुथरा पानी आ रहा है। पानी फुल तो है, बस यहाँ की थोड़ी तेज नहीं है, कम है, वहाँ की पानी पूरा 2 इंच है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगाने पे थोड़ा मोड़ा पानी बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ता घटता, प्रेशर भी कुछ ठीक है। और ये वीडियो जो है दोस्तों हम इस पर्पस पे बना रहे थे कि हमने जो है पंप रिपेयर किया था, और हमने सोचा क्यों ना एक बार आपको रिपेयर करके भी पंप दिखाएं। ये देखिए कैपेसिटर हम छुआ रहे हैं, हल्का पानी का प्रेशर बढ़ता है फिर घट जाता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। और जो घंटी का आइकन है बेल आइकन को उसको ऑल पे कर दे ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो न लगा फालतू काम, मोटर यही से चलती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट मेरे को जरूर करके बताएं कि जाम ना हो। रिपेयर होने के बाद जो वीडियो हम बनाते हैं उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है, हल्की है, बाकी आप देख सकते हैं पानी बहुत ही अच्छा है, साफ है, मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज भी सही है, मोटर बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।